फिलहाल 26 नवंबर को शपथ ग्रहण संभव है क्योंकि 26 नवंबर तक सरकार बनानी जरूरी है। जिस तरह से महाराष्ट्र की तारीखों को लेकर भी हमने देखा किस तरह के सवाल उठे हुए थे, तो 26 नवंबर तक सरकार बनाना महाराष्ट्र में जरूरी है। और खबर निकलकर सामने आई है 26 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह संभव होगा। अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। जिस तरह से जानकारी बीजेपी की टीम से मिल रही है, आज के जो फिलहाल की जो रुझान है उसे देखकर कल बीजेपी के ऑब्जर्वर्स मुंबई में आने वाले हैं, जिसके बाद परसों विधायक दल की बैठक होगी, उनका नेता चुना जाएगा और फिर 26 तारीख को सरकार बनाने की पूरी तैयारी में बीजेपी फिलहाल जुटती नजर आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा दृश्यों में दिखा दूं, आप देखिए कि जिस तरह के रुझान है उसके बाद बीजेपी के कार्यालय को अब सजाया जा रहा है, फूल लगाया जा रहा है, फूल से पूरे कार्यालय को सजाने का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दृश्य दिख रहा है कि बड़े बड़े फूल हार मंगाए जा रहे हैं, पूरी दुल्हन की तरह बीजेपी के कार्यालय को सजाया जाएगा, जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं का दावा है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि कल ऑब्जर्वर्स आएंगे, परसों विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाना है और फिर 26 तारीख को सरकार बनाने की मुहिम आगे बढ़ाई जाएगी। और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बड़ा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, पीछे होर्डिंग्स में तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से मेघा एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर ने बातचीत की है और उनकी ओर से कहा गया है, उम्मीद से बड़ी जीत मिली है हमें, मिलकर अगले मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे। उनकी ओर से ये भी कहा गया कि जब हम बैठक कर लेंगे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको बताते चले कि थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर करेगी। मेघना मेरी सहयोगी ने बात माफ कीजिएगा मेघा प्रसाद ने बातचीत की है देवेंद्र फडणवीस से, सुनते हैं। मेघा आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? आपने बातचीत की है देवेंद्र फडणवीस से? मेघा लगातार हमने देखा था चुनाव के दौरान आपने कई कई बड़े इंटरव्यू किए थे देवेंद्र फडणवीस के, कई मुद्दों पर आपने घेरा भी था और अब आपसे बातचीत में क्या दावा देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया है? जी चित्रा, बस अभी बात करी है मैंने 5 मिनट पहले मिस्टर फडणवीस से, उनको बधाइयां दी हैं, पूछा उनसे कि क्या इस बात का अनुमान था आपको या पार्टी को, क्योंकि लगातार मैं जो केंद्रीय मंत्री थे पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, जो यहाँ मुंबई में कैंप कर रहे थे उनसे मुलाकात, फडणवीस जी से मुलाकात, उनके पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर ही रही थी और ये बार बार ये डिस्कशन होता था, बार बार ये एनालिसिस होती थी कितना आएगा, क्या होंगे नंबर्स। तो आज उन्होंने कहा कि हमने जो भी डिस्कस किया था मेघा, हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है, ये तो हमने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। मैं आपको बताऊं, देखिए ये बातें एज अ जर्नलिस्ट हम लोग भी पहले नहीं बोल पाते हैं, लेकिन इंटरनल डिस्कशंस में बीजेपी ने बार बार मुझे ये बात कही थी कि 115 तक हम खींच सकते हैं, मगर उस लाइन को भी ब्रीच करते हुए आगे चली गई है भारतीय जनता पार्टी। सो क्लियरली इनके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है, जो कि फडणवीस जी ने मुझे अभी फोन पे कहा कि ये हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था। बहुत खुशी है, ऑफकोर्स उनके घर पे हैं, अभी कुछ पार्टी के प्रमुख लोगों से मिल रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि मैंने ऑफकोर्स यू नो एज अ जर्नलिस्ट एक इंटरव्यू की भी डिमांड करी दी है, उन्होंने कहा हम सब करेंगे लेकिन आज पहले तो पार्टी कार्यालय आएंगे, एक प्रेस वार्ता करेंगे, उसके बाद वो नागपुर जाना चाहते हैं। और हमें पूरी उम्मीद भी है कि देवेंद्र फडणवीस का चुनाव के दौरान आपने जिस तरह से इंटरव्यू किया था, फिर से बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर वो आपको जवाब देते हुए बहुत जल्द दिखाई देंगे। ABP News आपको रखे आगे।